हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। इसमें बज गए हैं दोपहर के 2, तो मैंने भगवान का पर्दा बंद कर दिया है। तो मैं डेली ऐसा करती हूँ, दोपहर में 2 बजे भगवान का पर्दा बंद कर देती हूँ और शाम को 5 बजे खोलती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और भगवान को चाय का भोग लगाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन चलता है इसी तरीके से। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरे जो भी ब्लॉग की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोपहर का समय है तो मेरा बड़ा वाला बेटा आराम से सो रहा है। तो मैंने मुंह धो लिया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली है, लाइटली लिपस्टिक, और ये देखिए मैंने काजल लगाया है। काजल ये मैंने जो होममेड काजल बनाया है, जिसकी की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं घर पर कैसे काजल बनाना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे बनाना है चने का सलाद। तो बेटा बहुत ज़्यादा आफत किए हुए, तो ये सलाद भी मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ। तो चलिए मैं उसके लिए फटाफट सलाद बना लेती हूँ। तो आप भी देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टमाटर निकाल लिया है फ्रिज से, और उसे मैं डलिया में डाल लूँगी और उसके बाद मैं धो लूँगी। बेटे से मैंने कटोरा मांगा, यानी बाउल मांगा, तो इतना बड़ा देती है, तो मैं उससे कह रही छोटा बाउल मुझे दो। तो मैंने टमाटर को निकाल दिया, मैं चेक कर रही हूँ कहीं कोई टमाटर दब तो नहीं गया, तो उसके से सारे टमाटर कहीं मेरे ख़राब ना हो जाएं। तो ये उसने मुझे छोटा बाउल दे दिया, और मैं टमाटरों को धो कर के रख दूँगी ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए, और जब ये साफ़ हो जाएंगे तो फिर इन्हें मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो ये चने मैंने जो रात में भिगो कर मैं डेली रख देती हूँ, तो ये चने मेरे भीग रहे थे, उसे मैंने बाउल में निकाल लिया, उतना ही निकाले जितना कि उसको खाना है। तो उसके बाद मैंने नाइफ़ ले लिया और मैं हाथों को पोंछ रही हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे एक छोटा सा अनियन दे दो, तो जब तक वो मुझे अनियन देगा मैं एक कटोरी निकाल के उसमें टमाटर काट ले रही हूँ। तो मैंने आधा टमाटर इसमें डाल दिया है, और प्याज भी मैं इसमें आधा ही डालूँगी। तो उसने देखिए मुझे प्याज दे दिया है, और मैंने टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ है, क्योंकि सलाद में टमाटर एकदम बारीक ही अच्छा लगता है, बड़ा टमाटर खाने में अच्छा लगता है। तो ये मैंने देखिए ऑनियन को छील लिया है, उसे भी मैं महीन महीन ही करके डालूँगी, क्योंकि सलाद में आप मटेरियल जितना ज़्यादा महीन डालेंगे तो वो सलाद उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा बनेगा। तो बस इसको डालने के बाद मेरा सलाद रेडी होने वाला है, और अब इसमें आप चाहें तो हरी धनिया और हरी मिर्च और नींबू भी डाल सकते हैं, बट बेटा खाएगा तो मैंने इसमें हरी धनिया, मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं भी तो बहुत थोड़ी सी हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए मुझे प्याज का इतना ज़्यादा झार लग रहा है कि मेरी आँख से आंसू निकल रहे हैं, और मुझसे प्याज काटते नहीं बनना। तो ये हमारा सलाद रेडी है, अभी हम इसमें बस साल्ट डाल देंगे। तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली और नींबू भी नहीं डाला, मैंने बस 3 चीज़ों को ही डाला है। ये लॉकडाउन के इस समय बस काम चल रहा है, क्योंकि कभी कभी सब्ज़ी अच्छी मिल जाती, कभी नहीं भी अच्छी मिल जाती, क्योंकि स्टोर्स खुले नहीं हैं, और बाहर जो सब्ज़ी वाले देने आते हैं तो उनके पास भी अच्छी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सलाद मेरा रेडी हो गया, मैंने उसे दे दिया है। अब मैं करने जा रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने एक अनियन को और ले लिया, वो आधा रखा है, वो हमारे खाने के काम आ जाएगा, और जो टमाटर है वो हमारी सब्ज़ी में चला जाएगा। तो एक अनियन को मैंने छील लिया है, और 4 से 5 कली मैं लहसुन की निकाल लूँगी तो डाल दूँगी इसमें। तो मैंने जार को ऊपर जो रखा रहता है मैंने उसे उतार लिया है, और अब हम इसमें जो हमने देखिए प्याज में देखिए अभी भी कितना झार है, मेरी आँख में इतना लग रहा है कि छीलने में ही मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन सबको कट करने के बाद मैं जो भी मटेरियल है वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या मटेरियल रेडी किया हुआ है, फिर उसको हम जार में डाल करके एक महीन पेस्ट, थिक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मेरा प्याज कट गया है, अब मैं लहसुन को इसमें छील के रख दे रही हूँ, और जितना भी मेरा वेस्ट मटेरियल है मैंने इसे एक पॉलीथीन में भर दिया, और अभी मैं इसे डस्टबिन में डाल दूँगी। जब सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं इसे डाल दूँगी, और मैं आप जानते हैं कि मैं किचन साथ साथ क्लीन करते हुए चलती हूँ। तो मैंने अब निकाल लिया है ऑयल का डब्बा, तब तक घर से आवाज़ आ गई है कि आप मेरे लिए चाय बना दो। तो सबसे पहले मैंने बड़ी निकाली है,
तो ये देखिए मैंने दो बड़ियाँ ली हुई हैं, तो इन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी, अभी मैं करके आपको दिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने लिए हुए हैं 3 आलू, तो ये हम लोगों के घर की इतनी सब्जी पर्याप्त बन जाएगी। देखिए धनिया लॉकडाउन की वजह से कितनी ज़्यादा अजीब सी धनिया मिली, हमें इसी से काम चलाना पड़ा। ये देखिए हमारा तैयार है प्याज लहसुन और हरी मिर्ची। देखो जो हरी मिर्च सूख जाती हैं थोड़ी सी लाल हो गई तो मैंने उसे डाला, और मैं चाय मैंने चढ़ा दी है तो इसमें मैंने शक्कर और पत्ती डाल दी है, और इसमें मैं दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद जो है मैं सब्जी की तैयारी में लग जाऊँगी। जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक हम एक तरफ सब्जी को छोंक देंगे। इस तरीके से मैं काम करती चलती हूँ तो एक साथ कई काम मेरे हो जाते हैं। मुझे चाय पे भी डाल दिए, कहीं ऐसा तो नहीं चाय में उबाला। और अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और उसके बाद मैंने कुकर को रख दिया, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए मैंने कुकर को रख दिया, इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। तो ये सरसों का ऑयल मैं ज़्यादातर यहाँ पर कोलू लगा हुआ है, तो आप सब जानते हैं गांव में जहाँ पे तेल पे रहता है उसे कोलू बोलते हैं, वहाँ से मंगाया। ये देखिए बड़ी को मैंने इतने बड़े टुकड़ों में कर लिया, ज़्यादा छोटे टुकड़े हमें नहीं करने हैं। और हमारा तेल गर्म हो गया है तो हमने इसमें बड़ियों को डाल दिया है, और हमें बड़ी इतनी भूंजनी है कि ये हमारी ना कच्ची रहें और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाल हो जाए, बस गोल्डन ब्राउन देखिए इतना कलर होने तक हमें इसको निकाल लेना है। और ये देखिए आँच हमारी काफ़ी तेज़ है, तो इसमें हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है तो इसमें हम डाल देंगे। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, ऊपर डालने से भूज देंगे, और उसके बाद में जो है एक बार चाय थोड़ा दे दूँगी और हमें आलू को मेरा ये प्याज का बैटर तैयार हो रहा है। तो ये देखिए मैंने 3 आलू लिए हैं, तो ये आलूओं को मैंने छील लिया है, और मैंने इसके तो आलू के मैंने ये देखिए 8 पीसेस तैयार किए हुए हैं। तो ज़्यादा ना छोटा आलू रखा है और मैंने ना ज़्यादा बड़ा आलू रखा है, कि बड़ी के हिसाब से ये आलूओं को मैंने रखा है। इसके बाद मैं धनिया को काट ले रही हूँ, अभी मेरा मैंने स्लो आँच कर दी है तो मेरा अभी प्याज जो है भुजा नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैं एक बार प्याज को फिर से चला दूंगी ताकि ये नीचे जल ना जाए। अभी धनिया मेरी थोड़ी सी जो रहेगी उसे भी मैं कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी खाने की तैयारी भी चल रही है और मेरी चाय भी बन रही है। उसके बाद मैं एक बार फिर प्याज को चला दूँगी, और चाय में उबाल आ गया तो मैं चाय को भी एक बार क्लोथ से पकड़ के चला दूँ, क्योंकि मैंने हैंडल को लगवा लगा मैं थक गई हूँ, बार बार टूट जाता है। ये देखिए अब लहसुन और प्याज का जो हमारा पेस्ट था उसने तेल छोड़ दिया, उसमें मैंने डाली 1 चम्मच हल्दी, और हम इसमें धनिया करीब 2 से 2.5 चम्मच के करीब धनिया इसमें डालेंगे। 2-3 लोगों की सब्जी में इतनी धनिया पर्याप्त होती है, और हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च को अभी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हरी मिर्च को पीस कर जाता वो इतनी तीखी ऑलरेडी होती है कि सब्ज़ी आपकी अच्छी खासी खाने लायक तीखी बन जाती है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। इसे हम बार बार बीच बीच में कई बार चलाते रहेंगे और हम इसे धीमी आंच पे ही भूनते रहेंगे। देखिए मसाला हमारा खूब अच्छे से भुज गया और देखिए चारों तरफ लगने भी लगा। इसके बाद हमने जो बड़ी भूज के रखी थी उन्हें मैं इसमें डालकर चला लूँगी, और आलू को मैंने धो के रख लिया उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी, और उसे भी मिला करके हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। मैं इस तरह सब्जी बनाने का तरीका ऐसे ही, आप भी इस तरीके से बनाइए, सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि सब्ज़ी आपकी कैसी बनी। देखिए मुझे इतना बनाया कि देखिए मसाला मेरा जल रहा है, तो मैं अभी इसे अच्छे से चला करके इसमें मैं पानी को डाल दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। और ऐसी सब्ज़ी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ये देखिए सब्जी ने पूरा नीचे का कुकर जो है वो छोड़ दिया है, तली बिल्कुल छोड़ दी है, तो बस हम इसमें पानी डालने की कमी रहेगी। तो पानी आप इसमें जितना आपको रसा चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैंने करीब इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया हुआ है। हम कुकर में सब्जी बनाते हैं तो पानी हमें कम मात्रा में लगता है, अगर आप यही चीज़ भगोने वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा लगता है। तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। और सबसे लास्ट में मैंने डाला है गरम मसाला।
तो ये मेरी टेक्निक इस तरीके से बनाने की। आप चाहे तो गरम मसाले को पहले भी डाल सकते हैं। तो मैंने गरम मसाला डाल करके इसको अच्छे से हिला लिया है, और इसके बाद हम इसमें लगा देंगे एक सीटी। अब सीटी में भरपूर चाहिए, ये नहीं है कि थोड़ी सीटी। तो ये सब सीटी लगाने के बाद देखिए सीटी जब उसकी निकल गई तो मैंने सब्जी को खोला और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी बन करके रेडी है, ये देखिए कितनी। और मैंने धनिया को इसमें डाल दिया है, ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनकर। आप देखिए उसका कलर, सब्जी का टेक्सचर और स्वाद तो कहने ही क्या। और इसके साथ हमारी थाली भी कंप्लीट हो गई है, रोटी और सब्जी। रात के 10:30 बज गए हैं और सारा काम हो चुका है। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और मेरा पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। बस बर्तन रह गए हैं, वो गीले थे तो मैंने अभी नहीं लगाए हैं। तो इन्हें मैं जैसे ही सूख जाएंगे तो मैं इन्हें लगा दूँ, क्योंकि मैं रात में इन्हें ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, नहीं तो कीड़े मकोड़े इस पे आते हैं और फिर धोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।